में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ द्वारा लगातार छठवें दिन भी कलम बंद काम बंद हड़ताल पर बैठ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से राहत दिए जाने की राह देख रहे हैं। वहीं पंडाल में बैठे आक्रोशित कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। छत्तीसगढ़ सरकार से लगातार अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर चली आ रही छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल के छठवें दिन अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए नारेबाजी की और केंद्र के समान डीए व गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग की। इस दौरान शनिवार को प्रदर्शन स्थल पर दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ ने भी अपना समर्थन देते हुए अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा नीता जैन, अनिल जायसवाल सहित अन्य अधिवक्ता धरना स्थल पर पहुंच अधिकारी कर्मचारियों की जायज मांगों को उचित ठहराते हुए अपना समर्थन दिया। इस संबंध में न्यूज टीम को प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाई हम तो कल पांचवें दिन में भी मशाल रैली निकाल कर सरकार को जगाने का कोशिश किया। आज छठवां दिन है, सारे अधिकारी कर्मचारी इस अवकाश के दिन में भी आके बैठे हुए हैं। इस बीच में सरकार का कोई स्पष्ट रवैया अभी तक सामने नहीं आया है। हम अपने बात पे कायम है कि अगर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता है कि हम आपके डीए को एरियस के साथ देने के लिए तैयार हैं, जो एरियस है वो राशि आपके जीपीएफ खाते में डालने को तैयार है, उसे हम सील कर देंगे कुछ माह के लिए, कुछ साल के लिए, उसके लिए भी तैयार है। और एचआरए के ऊपर जो हमने कहा है कि केंद्र के बराबर भले ही आप 18% 9% मत दे पाओ, लेकिन कम से कम पुराने दर पे 10 और 7% दो। इस बातों को लेकर आप पूरा प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी आंदोलनरत है और मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की कि हमारे जिला अधिवक्ता संघ के साथी उनके चेयरपर्सन नीता जैन जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए उनके सब पदाधिकारियों के साथ, और न्यायपालिका को चलाने वाले और न्यायपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे न्याय कर्मचारी संघ के साथी आज भी अवकाश के दिन भी यहाँ पर पंडाल में बैठे हैं। ये हम सबके लिए हौसले की बात है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इसमें जितना जल्दी हो सके निर्णय कर ले तो अब कर्मचारी अधिकारियों के लिए अच्छा होगा, जनता के लिए अच्छा होगा, जनता के हित में। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का यह दूसरा चरण है और इस दूसरे चरण के हड़ताल में अधिकारियों कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। समय रहते शासन प्रशासन को जल्द इस ओर ध्यान देकर इस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा आगे स्थितियां और खराब नजर आ रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।